हेलो एंड वालेकुम होप दैट एवरीवन इज़ डूइंग वेल वेल इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ M1 वन प्रो की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ये 2021 मॉडल है और मैं बहुत खुश हूँ मैंने मैकबुक जो है वो अपग्रेड करनी थी मेरी जो मैकबुक है 2015 मॉडल की थी 2015 में जो मैंने लास्ट टाइम मैकबुक परचेज की थी दैट इज़ इंटल वाली मैकबुक और वो वाली मैकबुक है जिसके पीछे जो है वो एप्पल जगमग जगमग कर रहा होता है <laughs> तो नया मैकबुक मैंने परचेज़ किया जी ये मैं सबसे पहले तो आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ फिर इसकी अनबॉक्सिंग कंप्लीट करते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको जो है ना मज़ीद देखते हैं तो ये 16 इंच की मैकबुक है जो प्रोसेसर लेटेस्ट एप्पल ने रिलीज़ किए हैं उनके साथ किया है सो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ मगर उससे पहले मैं आप लोगों के का थोड़ी सी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि ये कैसे जो है ना स्टार्ट हुआ और मैं आपको सबसे पहला लैपटॉप भी दिखाना चाहूँगा जो मेरा सबसे पहला लैपटॉप है ये लैपटॉप है इस वक्त ये तकरीबन इसको 11 साल हो चुके हैं और ये मेरे साथ है यानी कि काफ़ी सॉलिड किस्म की मशीन है बट ये जब मैंने परचेज़ की थी तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इसका मॉडल जो है इंस्पिरॉन फाइव ज़ीरो वन ज़ीरो था तो मैंने ये जो मशीन परचेज की थी मैंने उधार लेकर परचेज़ की थी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो मैं एजुकेशन भी कर रहा था तो भाई ये मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि ये वाकई में उधार लेके 2011 के अंदर परचेज़ की थी उसके बाद फिर क्या हुआ कि पता नहीं आई वाज लकी तो शहबाज शरीफ ने आपको बताया कि वो स्कीम स्टार्ट की थी लैपटॉप्स वाली कि बच्चों को वो लैपटॉप्स दे रहे थे जो स्टूडेंट्स थे और मैं कोई स्टूडेंट मतलब तो अच्छा स्टूडेंट नहीं था मेरे कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे बट मैं एक सेमेस्टर में मैंने शर्म खा ली मैंने कहा कि यार मेहनत कर लेते हैं और वो उसी जो मंथ में आ, मतलब उन्होंने अनाउंस किया कि जिनका सी डी पी सर्टन अमाउंट से ज़्यादा होगा तो उनको हम फ्री लैपटॉप्स देंगे तो ये लैपटॉप था जो मुझे ये वाला जो लैपटॉप है ये मुझे शहबाज शरीफ की तरफ से मिला था उस स्कीम में और ये देखें जी यहाँ पर ये इसकी हालत हो चुकी है वैसे तो मगर ये भी यूज़ में पड़ा हुआ है ये मैं जस्ट आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि मतलब ऐसे नहीं है कि ये आ, ऑटोमेटिकली इसके पीछे स्ट्रगल है सारी और ये काफ़ी महंगी मशीन है आप लोगों को इसकी प्राइस वगैरह भी पता होगी जिन लोगों ने सर्च वग़ैरह की हुई है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वाला मैकबुक परचेज़ किया था बट ये वाला मैकबुक मैं शुरू से स्टार्ट करता आ रहा हूँ स्टार्ट से मैं इसको आपने अक्सर अगर मुझे मतलब मिलते हैं आप फिज़िकली तो मुझे देखा होगा आपने कि मैं ये वाला मैकबुक यूज़ कर रहा होता हूँ थी और ये तकरीबन मेरे पास चार साल से है और रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2020 में मैकबुक्स जो हैं वो अपग्रेड हुई थी एप्पल ने नया अपना सी पी यू जो है इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके स्टेट्स बहुत अच्छे आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं एम वन के ऊपर अपग्रेड करता हूँ बट उस वक़्त र्यूमर्स आ रहे थे कि भाई नया मैकबुक आने वाला है ठीक है तो Uh, मैंने वेट किया मैंने सोचा कि यार लेट सी के नए मैकबुक के अंदर जो है वो क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो वेट करना जो था वो बहुत uh, फ़ायदेमंद रहा अब आते हैं अपनी नई मैकबुक की तरफ और ये शेयर करने का मकसद आपके साथ सिर्फ ये था कि यार आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये uh, इसके पीछे एक स्ट्रगल है ठीक है एनी नहीं जी अब इस पर स्टार्ट करते हैं ये पहले तो मैं आपको बताता चलूँ बॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है आ, वेट इसका काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे और मुझे लगता है कि लेट्स सी के इसमें लैपटॉप का इट कितना वेट होगा आप अगर चाहें तो इसको यूज़ करके अपनी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं मुकम्मल आ, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है दि, कि वाकई में ये आ, जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैवी मशीन लग रही है मतलब भारी है वाकई में भारी है फोर पॉइंट सेवन पाउंड समथिंग जो है ना उसको कहा जाता है कि इसका वेट होगा बट एनी वे चलें अब स्टार्ट करते हैं इसको ओपन करते हैं सबसे पहले तो ये यहाँ पर इसका जो है ना वो uh, है ये रैपर था आई थिंक हमें कोई वो चाकू छुरी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी द रीज़न बीइंग कि इसमें पैकिंग ही इस तरह से होती है तो चले स्टार्ट करते हैं सो so, ये लें जी ये मैकबुक हमने इसका जो ऊपर वाला है वो पार्ट रिमूव किया है लेट सी इसको ऐसे ऐसे से जान छुड़वाते हैं और ये लो भाई अच्छा जी ये इसको फेंकते हैं नीचे और अब इसका जो है वो ऊपर वाला जो पार्ट है वो रिमूव करते हैं ठीक है सो so, यहाँ पर आ, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं यहाँ पर ठीक है और ये देखें जी यहां से अगर हम इसको ऊपर करें अच्छा ये ये ले भाई इसका ऊपर वाला रैप जो है वो और रिमूव कर दिया अच्छा इसमें स्पेक्स की बात करूं मैं आपको तो स्पेक्स इसकी जो है वो सिक्सटीन जी बी रैम है इसमें फाइव ट्वेल्व जी बी हार्ड डिस्क है इसकी जो एस एस टी है इसके अलावा इसमें जो बेस मॉडल है यानी कि एम वन प्रो टेन कोर सी पी यू टेन कोर जी पी यू प्राइस इसकी जो है फ़ोर नाइन्टी सेवन के करीब मुझे पड़ी है फोर नाइन्टी सेवन फाइव की रेंज में आपको पड़ सकता है अगर आपने इसको लेना हो uh, ये जो मशीन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से पड़ी है अच्छा जी यहाँ से हम ये करते हैं कि इसको ऊपर उठाना पड़ेगा यहाँ से ये ले ये अच्छा ये सेपरेट ही पड़ी हुई है सो so, इसको इसको उन्होंने रेपर शैपर लगाया हुआ है यहाँ पर इसको बल्कि हम फ्रंट कैमरा पे भी लेके आ सकते हैं शायद सो so, ये जो है मैकबुक है और इसमें ये मैकबुक है जी इसका जो कलर है वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा शायद ये ग्रे कलर में और ग्रे कलर की रीज़न ये थ, इसका रीजन ये था ग्रे कलर का बिकॉज सिल्वर कलर जो है आपको पता है कि ये मैकबुक जो है वो अब मोटी हो गई हैं पहले पतली हुआ करती थी तो जो पहले मैकबुक आया करती थी वो काफ़ी मोटी हुआ करती थी और उसका कलर जो है वो सिल्वर कलर का हुआ करता था तो मैंने ग्रे इस वजह से चूज़ किया है ताकि उसके साथ मिक्स ना हो बाकी ये यहाँ पर देखें कि इसका एक जो एक ख़ास किस्म की कि इसकी फीलिंग है ना वो आपके पास मेरे पास तो आ रही है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पर जो है वो एप्पल का उसी तरह से शाइनी आ, सा लोगो है और ग्लोइंग लोगो नहीं है डेफ़िनेटली मैं उसको काफ़ी पसंद करता हूँ काफ़ी खूबसूरत लगता है वो बैक साइड पर मैकबुक प्रो लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है मैकबुक प्रो और इसके जो यहाँ पर ये जो स्पोर्ट है ये काफ़ी बड़ी हुई है और इसको अगर हम ओपन करें बल्कि ओपन बाद में करते हैं मैं आपको असेसरीज़ बताता हूँ कि इसमें असेसरीज़ क्या क्या हैं इसमें सबसे पहले तो मेरे पास आ रहा है डिज़ाइन डिज़ाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया अच्छा सबसे पहले तो ये एप्पल के जो हैं ये लोगोज़ हैं आपने कहीं पे यूज़ करने हो कर सकते हैं आई डोंट नो ये कहाँ पे यूज़ होंगे इसको इस तरह से तो अभी से जो है वो मांग बढ़ गई है वो कह रहे हैं मुझे दे दें ठीक है सही है जी तो इसके बाद यहाँ पर पेपर वर्क है इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है ये आपके पास मैनुअल है और काफ़ी कम जो है ना मैनुअल है इसमें ये यह देखें यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जो है ना एक पेपर एक फोल्डेबल दिए वरना बुक होती है पूरी की पूरी उसके बाद अगर बात करें तो केबल है केबल अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो इसमें जो क्वालिटी लग रही है केबल की वो काफ़ी और आपको पता है कि मैग से फिर इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊँ केबल की क्वालिटी तो वो केबल जो है इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है तो ये इसकी केबल है और केबल की अगर बात करें तो मेरे ख़्याल है लेंथ इसकी जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी इस बार इन्होंने रखी है और ये एक अच्छी बात है वैसे काफ़ी बड़ी केबल है तो और उसकी क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसमें जो टेक्सचर टाइप लगा हुआ है और ओवरऑल इसकी जो आ, मैग सेफ है वो ऑलमोस्ट सेम है लगा के देखूंगा इस पर इधर वाली साइड पे थ्री पॉइंट ज़ीरो है तो लेट सी कि इसमें क्या चलता है ठीक है आई थिंक और इसके बाद ये इसका एक चार्जर है चार्जर में जो है वो क्या चीज़ है चार्जर अगर आप देखें तो इसका जो चार्जर है वो थोड़ा सा पहले जो था वो स्क्वायर शेप में आता था अब ये तकरीबन रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आ रहा है ये इसका पुराना चार्जर है और ये इसका नया चार्जर है और यहां से आपके पास ये कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पर इसके अंदर और आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं मजे से बट ये है कि और इसमें बॉक्स में क्या है इसको मैं अगर उठा के देखूं और इसमें कुछ नहीं निकलेगा आपने अगर कुछ और ढूंढना है तो वो आपको नहीं मिल सकेगा सो so, बॉक्स जो है वो काफी मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन इन्होंने रखा हुआ है और दो दो चार चीजें उनकी स्पेस बनाई हुई है हम इसको ऐसे यहाँ पर रखते हैं गंदे बच्चों की तरह सो so, ओवरऑल यार मैं अगर वेट की बात करूँ तो मुझे वेट इसका थोड़ा सा हैवी लग रहा है आ, अगर मैं दूसरे हाथ में आ, जो दूसरी मैकबुक है वो पकड़ लूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बेहतर बता सकूँगा वेट है जी काफ़ी काफ़ी वेट है अगर मैं क्योंकि सिक्सटीन इंच यूज कर सॉरी फिफ्टीन इंच यूज करता आ रहा हूँ तो मैं यूज टू इस चीज़ के लिए यहाँ पर हम ये करते हैं तो हम इसको ओपन कर लेते हैं जैसे ही ओपन किया है उसकी जो मतलब वो टर्न ऑन हो गया और यहाँ पर एक फ्रंट पे जो है पेपर लगा हुआ है और काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से वो लगाया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं ये इसका अच्छा वो हेलो सा जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा और ये इसका कीबोर्ड है कीबोर्ड भी शायद इसका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है पहले जो कीबोर्ड आते थे वो कुछ और किस्म के थे बटरफ्लाई कीबोर्ड था शायद लास्ट जो मै, मैकबुक आया था और इसको हम उतार देते हैं ये इसको यहाँ से ऐसे उतार देते हैं सो so, स्क्रीन की अगर बात करें इसमें 120 हर्ट्ज जो है वो स्क्रीन है और आ, यहाँ पर जो एनिमेशन है वो काफ़ी स्मूथ ऑलरेडी काफ़ी स्मूथ लग रही है और दूसरा आप टॉप के ऊपर इस पर नोच लगी हुई नज़र आ रही होगी तो यहाँ पर ये यह देखें जी डिफरेंट लैंग्वेज़ के अंदर ये हेलो कहने की कोशिश कर रहा है ब्राइटनेस शायद ज़्यादा आपको लगे काफ़ी ख़ूबसूरत है यार ये यहाँ पर इसकी ख़ूबसूरती आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेजल्स का डिज़ाइन है वो भी आपके पास काफ़ी इम्प्रूव हो गया है जैसे बेजल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर देखें काफ़ी कम बेजल्स हैं जो पुराने लैपटॉप्स थे उसमें बेजल्स भी ज्यादा थी दूसरा ओके सो यहाँ पर ये जो है नोच आपको नज़र आ रही होगी नोच में जो है काफ़ी लोग इस पर बुरा भी मना रहे हैं नोच जो है वो इनको नहीं इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए थी कई लोग कह रहे हैं कि बस ठीक है आ गई है तो आ गई है बट ये है कि मुझे नोट से आई थिंक कोई ऐस प्रॉब्लम नहीं होगा स्क्रीन साइज़ जो है वो बड़ा चूज़ करने की रीज़न यही थी कि मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ कर सकूँ अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है ना इसमें ये इसका ट्रैक पैड है ठीक है ये ट्रैक पैड आप देख सक रहे हैं और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि ये इसका स्कैनर uh, है स्कैन करके आप अपना फिंगर प्रिंट स्कैनर है जिससे आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं स्पीकर्स का साइज़ देखें तो वो भी आप देख सकते हैं जी यहाँ पर स्पीकर्स साइज काफ़ी बड़ा है इसमें अगेन फोटीन इंच और सिक्सटीन इंच का कंपैरिजन काफ़ी मैंने देखा था उसके बाद मैंने चूज़ की थी ओवरऑल मैं आपके साथ काफ़ी इसकी वीडियोस शेयर करूँगा कि इसका फ़ायदा आपको हो सकता है यानी दूसरे नंबर पर मैं थोड़ी देर में अभी बात ये भी करता हूँ कि क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए क्या आपकी ज़रूरत है यानी मैंने क्यों ली है क्योंकि इस वक्त मेरे पास एक गेमिंग पी भी है उसमें प्रॉपर ट्वेंटी एटी टी आई लगा हुआ है थर्टी नाइन हंड्रेड एक्स एम डी का प्रोसेसर है थर्टी टू जी बी रैम है नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यार आपको ज़रूरत है या नहीं है इस चीज़ की आपको बाय करनी चाहिए या नहीं मैंने क्यों बाय किया है एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और मेरे ख्याल से ये मशीन मेरे साथ तकरीबन नेक्स्ट पाँच साल तक तो ज़रूर रहेगी जैसे मैंने आपको बताया ये पुरानी मशीन मेरे पास जो है वो पाँच साल से है और इसी से अलहमदिल्ला मैंने सारी फ्री लेंसिंग और ये जो सेटअप आपको नज़र आ रहा होगा आप यहाँ पर आप देख सक रहे हैं ये सारे जितना भी सेटअप आपको नज़र आ रहा है ये मैंने मतलब अपने लैपटॉप्स से ही बनाया है तो अगर आपने काम करना है तो लाजमी नहीं है कि आप बहुत ही हाई एंड मशीन लें ये मैंने इस वजह से ली है कि इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे मुझे वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है बाकी मेरा प्लान है कि चलो मैं अगर किसी और सिटी में भी जाके रह रहा हूँ या कहीं पर ट्रेवल कर रहा हूँ तो ये एक मुकम्मल मशीन है गेमिंग पी सी से ज़्यादा पावरफुल होगा और मैं आपको इसकी वीडियोज़ भी दिखाऊँगा अपने पी सी के साथ कंपेयर करके तो मैं इसके ऊपर फुली रिलाय कर सकता हूँ किसी किस्म का मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगा नेक्स्ट फाइव ईयर्स तक मैं इसको लेके चल सकता हूँ इसके स्टेट्स बहुत अच्छे मुझे नज़र आ रहे थे तो आ, इस वजह से मैंने इसको परचेज़ किया बाकी अगर आप आ, सोच रहे हैं कि भाई शायद इत, इतने हाई एंड पीसी चाहिए होते हैं फ्री करने के लिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है ये आप समझ लें कि मेरी जरूरत थी तो मैंने लिया है मैंने कोई ऐसे नहीं है कि मुझे शौक़ पड़ गया या आ, मेरी बिल्कुल ये ज़रूरत है हंड्रेड परसेंट ठीक है ऐसे फजूल में मैंने इसको नहीं इन, आ, इन्वेस्ट किया मैंने बहुत सोच समझ के इसको पिक किया आ, इसकी जो मोटाई है जो कह रहे हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है मैं आप, आपको ऑनेस्टली बताऊँ ये देखो यहाँ पर ये ये जो है वो इतना ज़्यादा ये फील नहीं होता मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ बिकॉज मेरे पास जो है वो दूसरी मैकबुक भी है तो वहाँ उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ हैंड्स के अंदर अगर बात करें तो वो काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील हो रही है और इसमें एक और अच्छी बात यह थी कि इसमें जो पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं वो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच डी पोर्ट आ गई है एच डी एम तो नहीं है 2.0 है दूसरा एस डी कार्ड रीडर है अगर आप कैमराज की फुटेज वग़ैरह लेके आना चाहते हैं तो वो लेके आ सकते चार्जर की बात करें तो ये 140 सौ वाट का चार्जर है 140 सौ वाट का चार्जर है जी ये और इसमें चार्जिंग टाइम बहुत अच्छा मिलने वाला है मतलब तो आप इमेजिन करें एक लैपटॉप जो 20 आवर्स तक जो है वो बैटरी निकाल सकता है 2015 से मैं अपग्रेड कर रहा हूँ मतलब 2015 मॉडल था मेरे पास और उससे मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो उससे तो मुझे वाकई में एक वाजह जो है ना फ़र्क नज़र आ रहा है टी आवर्स बैटरी टाइम जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लेम्ड है यानी अगर आप इसको एक दफ़ा चार्ज कर लेते हैं ट्वेंटी आवर्स तक आपकी बैटरी जो है वो चल सकती है बाकी मैं आप लोगों के साथ इसका फीडबैक शेयर करूंगा जब मैं इसको यूज़ करूंगा इसके ऊपर स्ट्रेस टेस्टिंग करूंगा वीडियो एडिटिंग करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार ओवरऑल कितना टाइम लगा कितना टाइम नहीं लगा इसकी जो रेजोल्यूशन है वो थ्री है सो so, थ्री जो है वो काफ़ी बड़ी uh, कह सकते हैं कि आप रेजोल्यूशन होती है इट इज़ लुकिंग अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छी जो है ना स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन टाइप जो है ना वॉलपेपर पेपर देख के भी जो है ना वो लग रहा है ओह बेस मैं फील कर पा रहा हूँ लिटरली इसमें बेस जो है वो वाकई में बेहतर फील हो रही है खैर इससे कोई आइडिया तो नहीं होगा द रीज़न लोग भी रिकॉर्डिंग देख लाइव देख रहे हैं मगर ये है कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्या जो है ना रिज़ल्ट है सो so ओवरऑल यार ये ए, ए, मेरी तरफ़ से एक अनबॉक्सिंग की एक नाकाम कोशिश थी आई नो आप लोगों को कैसी लगी यहाँ पर और भी पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ, एक ऑडियो जैक भी अवेलेबल है ऑडियो जैक जो है वो अवेलेबल है जो लास्ट ईयर मैकबुक्स आई थी उनमें ऑडियो जैक्स जो थी वो रिमूव कर दी गई थी जिसकी वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला था बिकॉज आपको डोंगल परचेज़ करनी पड़ती थी और वो अलहदा कैरी करनी पड़ती थी ओवरऑल यार इट इज़ लुकिंग अमेजिंग और uh, काफ़ी बेहतर है ना इसका एक्सपीरियंस होगा और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ ये एटलीस्ट नेक्स्ट फाइव इयर्स के लिए मेरे पास मशीन है जो कि मैं इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे अपग्रेड करनी चाहिए या नहीं